हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो स्पेशली जो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी क्लासेस की, उसके अलावा भी मुझे मजबूरी में एक क्वेश्चन करवाना पड़ा, क्वेश्चन नंबर 37। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स, और क्वेश्चन नंबर 37 फॉरेक्स प्रैक्टिस मैनुअल आईआरपी का क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फिगर निकालना है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें मिसिंग वैल्यू निकालना है, और कहीं ना कहीं मुझे ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, मजबूर हूं बेटे, कि आपको आईआरपी आता, क्योंकि मुझे आईआरपी का इक्वेशन समझाने में लॉजिक के साथ बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और दूसरा, आपको फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना आता है। अगर वो दो चीजें आती है, दो फॉर्मूला है, अगर वो दो चीजें आती है तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है अगर दो चीजें आपको आती है तो पहली बात, आईआरपी का इक्वेशन क्या है? एफ डिवाइडेड बाय एस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, और यहां भी क्या होता था, 1 प्लस आर। सर क्या है आखिर ये? बेटे ये आईआरपी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि यहां रेट कौन सा है। अगर मैं बोलूंगा बेटे ये करेंसी रुपीज रुपीज है, तो यहाँ रेट रुपीज का आएगा। अगर ये डॉलर है तो यहाँ रेट डॉलर का आएगा। सर फिर भी थोड़ा सा समझा सकते हो? बिल्कुल ना के बराबर। आईआरपी मैं मान के चलूंगा कि आपका पढ़ा हुआ है। ऐसा समझ लो, इंडिया और यूएस, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? सर रुपया, गुड। और यूएस में क्या चलता है? डॉलर। मैं कहता हूं मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए। अल्टरनेटिव है कि इंडिया में जमा करोगे तो आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा साल भर का। और अगर मुझे 1 लाख रुपए इंडिया में जमा नहीं करना, यूएस में जमा करना है, तो यूएस में जमा करने के लिए पहले मुझे रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आज के रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको आप बोलोगे स्पॉट रेट, ठीक है। और अगर मैं यूएस में जमा करता हूं तो यहां मिलता है 8%। बताओ बेटे किधर जमा करना ज्यादा अच्छा है? सर इंडिया में, यूएस में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एग्जैक्टली, पर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फैक्टर है, ऐसे ना जाने कितने फैक्टर है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। सुनोगे ध्यान से, अगर मैं इंडिया में जमा करूं तो 1 साल बाद 1 लाख रुपए इनटू कितना मिलेगा विथ इंटरेस्ट 1 साल बाद? सर 1 लाख 12 हजार। 1 लाख 12 हजार को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.12। हाँ सर। और यूएस आईआरपी पैरिटी का मतलब समझते? पैरिटी कि यार इंडिया में जितना मिलेगा 1 साल बाद, यूएस में जमा करने से भी 1 साल बाद उतना ही मिलना चाहिए। यही होता पैरिटी, इक्विलिब्रियम। ठीक सर, यहां यूएस में जमा करोगे तो बेटे यूएस में जमा करोगे तो 1 लाख रुपए को सबसे पहले डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा स्पॉट रेट पर, ठीक है। डिवाइड होगा, ये डॉलर है तो आपको समझ है, ₹60 रेट है तो ये डिवाइड हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। और फिर ये आ गए डॉलर, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने परसेंट? जी 1.08। हाँ सर, तो 1 लाख रुपया को पहले डॉलर में कन्वर्ट कर दिया आज के रेट पे, और जो डॉलर आया उसको इन्वेस्ट कर दिया तो 1.08 मिलेगा, 8% मिलाकर इंटरेस्ट। और फिर जो डॉलर आएगा उसको मैं फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी रेट होगा। एक्चुअल में ना हमको आईआरपी में फॉरवर्ड रेट निकालना होता है, और फिर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज करते, ठीक। दिस इज इक्वेशन। अब मेरा क्वेश्चन है ये है यार, ये एसआर है। हाँ सर, तो क्यों ना ऐसा कर सकते कि इस एसआर, ये तो पूरे के लिए एप्लीकेबल हो गया। हाँ, तो अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 लाख इंटू 1.12 डिवाइडेड बाई, ये वाला मैं यहां ला रहा हूं ₹1 लाख, पूरा पोर्शन नहीं, सिर्फ 1.08, और एफ आर डिवाइडेड बाय एस आर, ठीक है। इट मींस कि मैंने क्या किया,
मैंने ये वाला पोर्शन उठाकर यहां ला दिया, यहां डिवाइड होना चाहिए, यहां ला दिया, तो बचा क्या एफ आर और एस आर, और 1 लाख 1 लाख कट कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 1 + r / 1 + r = फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट। ये आईआरपी की इक्वेशन है, मैंने कहा ना मुझे आईआरपी समझाने में पूरी एक क्लास लगती है 1 घंटे की, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूं। सर मतलब यहां किसका रेट आया, यहां आया रुपीस का, और यहां किसका रेट आया डॉलर का, और ये फॉरवर्ड रेट ये भी रुपीज में होगा, ये भी रुपीज में होगा। बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि अगर ये रुपीज में है तो यहां रुपीज का रेट आएगा ऊपर, अगर ये डॉलर में है तो रेट डॉलर का आएगा, अगर ये एफएफ में है तो रेट एफएफ का आएगा। ठीक है, ठीक है सर। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि मुझे ये इक्वेशन चाहिए चाहिए, पूरी तरह से सर समझ में नहीं आएगा, बेटे आप भी नहीं सकता, थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने आपको कहा कि आपको ये इक्वेशन आती है, मुझे ये उम्मीद है आईआरपी की। दूसरी इक्वेशन लगेगी मुझे, फॉरवर्ड प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, ये दो इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। सर क्या होता है फॉरवर्ड प्रीमियम, बेटे एक बात बताऊं, आज स्पॉट रेट, स्पॉट रेट $1.60 का है आज, और अगर मैं बैंक में जाकर बोलता हूं कि भैया 1 साल बाद डॉलर कितने का दोगे, तो $1 बैंक बोल रहा 1 साल बाद, फॉरवर्ड रेट समझता है आपको, बैंक बोलता है कि ₹62 का मिलेगा, मतलब आज खरीदूं तो 60 का और 1 साल बाद खरीदूं तो 62 का। तो बताओ डॉलर कितना रुपए महंगा दिख रहा है, 2 रुपए डॉलर महंगा है, मतलब डॉलर प्रीमियम पर। सर अगर रेट 1 साल बाद 58 का मिलता तो मैं कहूंगा वाह सस्ता मिल गया यार, सस्ता मिल रहा है फ्यूचर में, डॉलर डिस्काउंट पर, अभी क्या मैंने लिखा 62, कितने रुपए प्रीमियम पर है, डॉलर महंगा है ना, डॉलर का ही रेट दिया, डॉलर महंगा है, 2 रुपए, 2 रुपए कैसे निकला, 62 - 60, ठीक है, परसेंटेज में दिखाना होता तो डिवाइड किससे करोगे, इससे किससे, बेटे बेस से, बेस क्या होगा स्पॉट रेट, तो डिवाइड किससे होगा 60। तो इसकी इक्वेशन ऐसी होती है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट, फिर वो देख लेंगे हम एनुअल वगैरह करके 3 मंथ 4, और परसेंटेज में इसलिए चाहो तो आप इनटू 100 भी लगा सकते हो, लगा लेंगे इनटू 100। अच्छा ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट किसका निकलेगा, जिसका रेट दिया है उसी का निकलेगा, बस ये बात याद रखना तो दिक्कत नहीं है, डॉलर का रेट दिया तो प्रीमियम निकल गया डॉलर पर। सर इसका मतलब, इसका मतलब आपको आता है ये मैं समझता हूं, ठीक है सर। चलो अब समझने की कोशिश करते क्या क्या दिया है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया, स्पॉट रेट दे रहा है $1 = FF 7.05, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर दिया है। तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे 3 मंथ वाला मिसिंग वैल्यू निकालना, थ्री मंथ वाला। तो डॉलर का इंटरेस्ट रेट दे रखा है 11.5% पर एनम है, ये पर एनम, ओहो ये दिया एनुअली कंपाउंडिंग, ये सबसे ज्यादा टेंशन है, इस मैटर पे बात करूंगा। और एफएफ का इंटरेस्ट रेट दे रखा 19.5%, फॉरवर्ड रेट निकालना है एफएफ वाला और डिस्काउंट वगैरह निकालना है, ठीक है। सर पहले क्या निकाले बेटे, पहले एफएफ का रेट निकाल लेंगे, फॉरवर्ड रेट निकल गया तो फिर तो डिस्काउंट तो निकाल ही लेंगे। हाँ सर, तो सबसे पहला इसमें कैलकुलेशन ऑफ 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, यूजिंग आईआरपी इक्वेशन, ये आईआरपी इक्वेशन है, फॉर्मूला क्या है, एफ आर डिवाइडेड बाय एस आर इज इक्वल टू 1 + r / 1।
एफआर दिया है कि नहीं सर, वही निकालना एफआर। एसआर दिया है कि यस। एसआर कितना दिया? एफएफ 7.05। एक बात समझना, चाहे एफएफ यहां हो चाहे एफएफ यहां हो, ऊपर रेट एफएफ का आएगा। चाहे रुपीज यहां हो चाहे रुपीज यहां हो, ऊपर रेट रुपीज का आएगा। मतलब यहां जो करेंसी रेट उसी का आएगा। ये रटवा रहा हूं, आप मजबूरी समझोगे, कॉन्सेप्ट में नहीं समझा सकता। ठीक है सर, तो ऊपर रेट एफएफ का लिखेंगे और एफएफ का रेट ये दे रखा है 19.5%। 19.5% पर बेटे ये है एक साल का और हमें लिखना है 3 महीने का। तो ठीक है ना सर, हम 3 महीने का रेट निकाल लेते हैं और 3 महीने का रेट आ जाएगा 19.5 × 3/12। तो 19.5 × 3/12 तो बेटे 4.875। तो सर हम यहां फिर लिख सकते 1.04875, बिल्कुल लिख सकते थे अगर इनके साथ एनुअल कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। ओहो, तो बेटे कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको एसएफएम की पहली क्लास में, एसएफएम की पहली क्लास बोल रहा हूं, फर्स्ट क्लास में जब आपका एसएफएम स्टार्ट हुआ होगा तो आपके टीचर ने पहली क्लास में ये समझाया होगा कि कंपाउंडेड एनुअली है तो क्या करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या करना है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है तो क्या करना, पहली क्लास में। और इनके साथ में शब्द लगा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। तो फिर क्या सर ये लिखेंगे तो बेटे ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली में आप ये इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव दिया है तो आप 1.195 पावर, ये एक साल का रेट है तो दो बार कंपाउंडिंग, 1/2 बार, 4 करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। ये आपको आता होगा। इस मैटर पे अगर डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखना, मैं इसका लिए एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है, वो चल जाएगा। पर अभी यहां हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 99% बच्चों को कंपाउंडेड एनुअली का मतलब समझ में आता है। ठीक है सर, तो अब क्या होगा बेटे, यहां ऊपर किसका रेट आएगा? एफ एफ 1.195 पावर 1/4 और नीचे किसका रेट आएगा? डॉलर 1.115 पावर 1/4। अब एक बार बताऊं, इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, इसकी अपेक्षा इसको डिवाइड करके पावर 1/4 लिखने में कोई तकलीफ है? नहीं सर, एक ही बात, एफ आर इज इक्वल टू एफ एफ 7.05 डिवाइडेड बाय 1.115 डिवाइडेड बाय 1.115। तो ये आ गया 1.07175 पावर 1/4। तो एफ आर इज इक्वल टू एफ एफ 7.05 का स्क्वायर रूट, और एक बार स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1.01747। तो फाइनली एफ आर इज इक्वल टू 7.05 × 1.01747 × 7.05। तो ये आ गया आपका फॉरवर्ड रेट, कितना आया बेटे? ये आ गया एफ एफ 7.17। तो फाइनली ये हमको मिल गया और ये आ गया 7.17। ठीक है, तो ये एक चीज निकालनी थी जो हमने निकाला। दूसरा क्या पूछ, बस कंपाउंडेड एनुअली पर फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ सर, 3 मंथ में ही और एक चीज पूछा, क्या फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ? फॉरवर्ड
फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ। ये भी सिंपल है। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा डिस्काउंट का? सर फॉर्मूला है एफ आर माइनस एस आर डिवाइडेड बाय एस आर। रेट किसका दिया है? रेट डॉलर का दिया, रेट दिया डॉलर का। तो ये जो भी निकलेगा वो किसका निकलेगा? डॉलर का। चाहे प्रीमियम ले लो चाहे डिस्काउंट ले लीजिए, ये जो भी निकलेगा वो तो डॉलर का निकलेगा क्योंकि रेट डॉलर का। जबकि हमें मांगा किसका है? हमें मांगा है फॉरवर्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट और किसका मांगा? एफएफ का मांगा। जबकि हमें एफएफ पर डिस्काउंट मांगा, एफएफ पर डिस्काउंट मांगा है। अब क्या करें? सर तो बड़ा सिंपल है, अगर हम डॉलर का प्रीमियम निकाले थे तो डॉलर 2% प्रीमियम पे है तो एफएफ भी 2% डिस्काउंट पे होगा। नहीं, ऐसा ही तो नहीं होता, दोनों में अंतर है। अगर 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 डॉलर 2% प्रीमियम पे, तो सर डॉलर का प्रीमियम निकालते तो वही तो एफएम का डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता समझ लो। एक पर्सन है राम, राम की एज है 20 साल। ये आपने कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा होगा, राम की एज है 20 साल और श्याम की एज है 30 साल। बताइए कौन बड़ा है? सर श्याम बड़ा है। कितने साल से बड़ा है? सर 10 साल से बड़ा है। कितने परसेंटेज से बड़ा है? तो कैसे निकालते थे? 10 साल बड़ा है डिवाइडेड बाय क्या होगा? 20 की 30, 30, क्योंकि आप श्याम के एंगल से बात कर रहे हो। तो 10 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो 33.33% आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कौन बड़ा है? श्याम बड़ा है। कितने परसेंटेज से बड़ा? 33.33% से बड़ा है। तो राम छोटा है? हाँ। कितने परसेंटेज से छोटा है? सर इतने ही परसेंट। नहीं बेटे, जब राम के एंगल से बात करोगे तो 10 और राम का आ जाएगा यहां 20। बस परसेंटेज में अंतर आ जाएगा। याद करो आपने बचपन में पढ़ा होगा 20% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स। भाई कॉस्ट के लिए अलग होता, सेल्स के लिए अलग होता, ये सारी सिचुएशन यहाँ। ठीक है सर, तो अब क्या करें बेटे? कुछ नहीं, मुझे किसका रेट चाहिए? मुझे एफएफ का रेट चाहिए। वैसे और भी शॉर्टकट है पर अभी आप झेल नहीं पाओगे, मैं भी सिंपल सिंपल। मुझे एफएफ पर डिस्काउंट चाहिए तो मुझे एफएफ का रेट चाहिए। अब एफएफ का रेट हम बना लेंगे। कैसे बनेगा? जैसे $1 एफएफ कितना? एफएफ स्पॉट रेट की मैं बात कर रहा हूं, स्पॉट रेट $1 है एफएफ, स्पॉट रेट है 7.05। तो मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ एक एफएफ कितने का? तो सर सिंपल है, डॉलर ऐसा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बस उसके बिना भी हो सकता है, उसके बिना भी, पर आपने मेरी क्लासेस नहीं किया तो उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये थोड़ा सिंपल से समझ में आएगा कि भाई ये डॉलर का रेट, अगर जो भी डिस्काउंट निकलेगा वो यहां डॉलर का निकलेगा, पर मुझे किसका डिस्काउंट मांगा? एफएफ का। तो मुझे पहले एफएफ का रेट बनाना पड़ेगा। यस, अब सुनोगे ध्यान से। और एक हाँ शॉर्टकट वाला भी बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं निकाल रहा हूं फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ। फॉर्मूला यही है, फॉरवर्ड रेट एफएफ का। तो रेट सारे यहां किसके होने चाहिए? रेट होना चाहिए एफएफ का, मतलब इधर क्या होना चाहिए? डॉलर्स। फॉरवर्ड रेट कहां? ये निकाला फॉरवर्ड रेट, पर ये एफएफ है तो इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करूं? डॉलर 1 डिवाइडेड बाय 7.17 माइनस। ठीक है सर, और क्या? स्पॉट रेट डॉलर 1 डिवाइडेड बाय 7.05, ये भी ठीक है, डिवाइडेड बाय
स्पॉट रेट डॉलर, इसको ठीक ठाक से लिख लेते हैं, डॉलर वन डिवाइडेड बाय 7.17 माइनस डॉलर वन डिवाइडेड बाय 7.05, और आपको पता है ये जो है इनवर्स हो जाता, इस तरह से घूम जाएगा इनटू डॉलर 7.05। हाँ सर भाई, ये जाके ऐसे घूम जाएगा। अच्छा मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में, मिल जाएगा, इनटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, और ये जो निकलेगा ये तो निकलेगा 3 महीने का, और मुझे कितना चाहिए, मुझे पर ईयर बताना पड़ेगा, तो 3 महीने का है ये, जो भी निकलेगा तो 12 महीने का कितना। क्या आपको कैलकुलेटर चलाना आता है? यस आता है, मुझे ऐसी उम्मीद है। 1 डिवाइडेड बाय 7.17 इक्वल टू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7.05 इक्वल टू एम माइनस, एम माइनस किया है ना, फिर एम आर सी इंटू 7.05 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ गया -6.69%। जिनका मैथ्स अच्छा वो इसको सॉल्व कर सकते, जिसका मैथ्स खराब वो कैलकुलेटर यूज कर सकते, और कैलकुलेटर मैंने चलाना सिखाया आपको, सीधा सीधा आंसर निकालना। और सुनो ये पर एनम निकला, सर डिस्काउंट माइनस में लिख सकते हैं क्या? सीधा आप ऐसा लिखो ना 6.69% डिस्काउंट, बिल्कुल सही, ये ज्यादा है, कभी ऐसा देखा है -6.69% डिस्काउंट? होना ही नहीं चाहिए, पर आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने डिस्काउंट को माइनस का भी सिंबल दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे मजबूरी में यहां माइनस दिखाना पड़ेगा, -6.69%। जिस तरह से ये दिखाया मुझे भी मजबूरी में उसी तरह से दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये कब का निकाला आपने? 3 मंथ का। अब बात कर लेते हैं हम लोग 6 मंथ्स वाली, अब टाइम नहीं लगेगा। सिक्स मंथ में आपको एफएफ स्पॉट रेट है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, यहां का इंटरेस्ट रेट नहीं मालूम, और ये दिया हुआ, और अब कौन सा पहले निकाले? सबसे पहले यार डिस्काउंट दिया है ना, तो हमारा ये निकल सकता हमारी इक्वेशन के हिसाब से। यस, डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट दिया है, हमको स्पॉट रेट दिया है, तो हम ये वाली इक्वेशन से कौन सा रेट निकाल सकते हैं? फॉरवर्ड रेट निकाल सकते। चलो देखते कैसे बनेगा। डिस्काउंट ऑन एफएफ -6.3%, यह है पर एनम, तो 6 मंथ के लिए डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 3.15%। ठीक है भाई, 6.3% 1 साल का, तो 6 महीने का डिस्काउंट कितना आएगा? 3.15। अब हम वही निकाल रहे हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ, फॉरवर्ड रेट कितना है यही निकालना है सर, स्पॉट रेट कितना है? अच्छा इसको हमको 1 डिवाइडेड बाय FR करना पड़ेगा, तभी तो बात होगी। यस, और यहां क्या कि डॉलर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 7.05 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 7.05। ठीक है, और आंसर कितना दिया है? 3.1% को सीधा सीधा बोल सकते 3.1 डिवाइडेड बाय 100, इंटू 100 नहीं कर रहा हूं, सीधा 0.315। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि अल्टरनेटिव है वो मैं आपको समझा देता हूं। 0.0315 इज इक्वल टू 1 बाय FR माइनस 1 बाय 7.05, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 7.05। ये ऐसा इनवर्स हो जाता है। हाँ सर पता है हम लोगों को,
और सॉल्व करने की, 0.0315 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, 7.05 डिवाइडेड बाय एफा, और ये 7.05 तो फाइनली ये क्या जाएगा, ये तो माइनस वन हो गया सर। हाँ बिल्कुल सही, तो ये माइनस वन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन, 1.0 ये 0.0315 है, ये इधर प्लस हो जाएगा, तो यहां जाएगा 1.0315। तो ये आ गया 1.0315, 7.05 डिवाइडेड बाय एफ आर, तो एफ आर निकल सकता है क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा। ये 7.05 यहां मल्टीप्लाई हुआ, 7.05 यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस डिवाइडेड बाय एफ आर, दिस डिवाइडेड बाय, ये माइनस, अच्छा ये माइनस में है भाई, ओहो बस यही बात ध्यान रखना, ये माइनस में, तो अब ये माइनस में है, तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई, 0.0315 और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो अब देख लेते हैं, 1 माइनस 0.0315, तो ये आ गया 0.9685 इज इक्वल टू 7.05 डिवाइडेड बाय एफ आर, तो एफ आर इज इक्वल टू 7.05 डिवाइडेड बाय 0.9685, आंसर आ गया एफ एफ 7.28, ठीक है। और जिनको इक्वेशन नहीं पता है उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिनको इक्वेशन में मजा नहीं आता, लॉजिक में मजा आता, पर लॉजिक के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। लॉजिक ऐसा है कि भाई $1 इज इक्वल टू एफ एफ 7.05, अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ एफ डॉलर जो है, डॉलर डॉलर सुनना ध्यान से, डॉलर डाउन हो रहा है 5% से, डॉलर कम हो रहा है 5% से, तो मैं सीधा इंटू 95% कर दूंगा, भाई डॉलर का रेट गिर रहा है तो इंटू 5% से गिर रहा, तो इंटू 95% कर दिया। और अगर मैं बोल रहा हूं एफएफ का रेट गिर रहा है, एफएफ डिस्काउंट पे है 5% से, तो इंटू 95% इधर कर दूंगा बस, तो वही मैं यहां काम कर रहा हूं। यहां क्या बोल रहा है, बोले एफएफ कम हो रहा 3.15% से, तो 100 माइनस 3.15%, क्या कम हो रहा है डॉलर की एफएफ, एफएफ तो एफएफ को ऐसा कांस्टेंट रखूंगा, और डॉलर वन इंटू 96.85%, सीधा सीधा भाई 96.85%। सर ये कहां से आया 90, बिट्टे सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं 5% से कम होगा, मतलब मैं सीधा 95% कर रहा हूं ना, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं 3.15% से, तो 100 माइनस 3.15 कर दिया, तो 96.85% आएगा। तो चलो इक्वेशन बना लेते, डॉलर वन इज इक्वल टू एफ एफ 7.05 डिवाइडेड बाय 96.85%, तो 7.05 डिवाइडेड बाय 96.85%, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डॉलर वन इज इक्वल टू एफ एफ 7.28। पर सुनो, इसके लिए ना आपको बेसिक स्ट्रांग चाहिए, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये बहुत कुछ सीखना होता तब ये क्वेश्चन बनता, सीधा आईआरपी, अब मैं सीधा आईआरपी करवा रहा हूं, बहुत मुश्किल है, और वो भी सीधा क्वेश्चन, वो भी सबसे मुश्किल क्वेश्चन, तो ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी। तो 6 मंथ वाले में हमारा क्या निकला, अभी तक हमारा निकल गया ये वाला रेट, कितना निकल गया 7.28, इसको रेड में लिख लेता हूं, 7.28। चलो एक चीज तो निकाल ली हमने, और क्या मांगा है हमसे, और मांगा है एफएफ का इंटरेस्ट रेट, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगा अब तो। हाँ सर, इंटरेस्ट रेट
ऑफ एफ एफ ये निकालना है। आईआरबी की इक्वेशन हमको मालूम, एफ आर, एफ आर हमारा निकला है, एफ आर कितना निकला है 7.28, ये एफ एफ है, ये भी मालूम है, एफ एफ कितना 7.05 स्पॉट रेट, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूं, ऊपर रेट आएगा एफ एफ का और एफ एफ का रेट नहीं दिया है, तो 1 + R, ये बेटे ये साल भर का रेट होगा यहां, साल भर का, तो मुझे 6 महीने का रेट निकालना, मतलब पावर 1/2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली शब्द लगा हुआ, और यहां क्या आएगा 1.1, कितना आया 12.25, 12.25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.1225, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले इसी को कर लूं क्या, 7.28 डिवाइडेड बाय 7.05, तो ये आ गए 1.0326 2 ले लेते हैं, इंटू 1.1, यहां भी पावर 1/2 होना चाहिए ना भाई, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते, 1 + R पावर 1/2 और 1.1225 का स्क्वायर रूट क्या गया 1.05948, पावर 1/2 क्यों किया, क्योंकि मुझे 6 माह का निकालना, मतलब एक साल में 2 ही बार कंपाउंडिंग होकर आया होगा ये वाला रेट, तो 6 माह का बैकवर्ड गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इनटू 1.03262, तो ये आ गया 1.09404 इज इक्वल टू 1 + R पावर 2 पावर 1/2, ठीक है, तो 1.09404 का स्क्वायर रूट 1/2 का हटा के और -1 भी लिख देते हैं इज इक्वल टू आर आ जाएगा, 1.09404 इंटू इक्वल टू -1 और इंटू 100% में, तो आर इज इक्वल टू आ गया 19.69%, प्रैक्टिस मैनुअल में 19.7980% दिया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसका अपना तरीका निकालने का, ये करेक्ट, बहुत सारे राइटर्स की बुक देखा बेटे, ये करेक्ट है, तो टेंशन मत लेना इसमें, ठीक है सर, तो अब क्या करना है, अब यहां का भी रेट निकल गया 19.69% पर है, अब बस अब कौन सा बचा है 1 ईयर का, तो सबसे इजी होता है, तो अब लिखोगे 1 ईयर, अब यार हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये निकालना है तो ये निकाल लेंगे, मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, डॉलर इंटरेस्ट रेट पहला, डॉलर इंटरेस्ट रेट, चलो तो डॉलर इंटरेस्ट रेट आईआरपी इक्वेशन लगाएंगे, एफआर मालूम है क्या, यस 7.52 ये एफएफ है ना, और 7.05 ये भी एफएफ है, तो ऊपर एफएफ का रेट आएगा, एफएफ का रेट मालूम है साल भर का है, तो साल 1.20 और क्या निकालना 1 + R, तो सीधा कर लेते हैं 7.52 डिवाइडेड बाय 7.05 इज इक्वल टू 1.06667 इज इक्वल टू 1.20 डिवाइडेड बाय 1 + R, तो R इज इक्वल टू 1.20 डिवाइडेड बाय 1.06667 -1, यहां 6 अपने हिसाब से मैनेज कर लेना और परसेंटेज में लाना, तो इनटू 100 1.20 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू -1 इनटू 100, तो ये आ गया बेटे 12.5%, चलो तो और एक चीज निकल गई हमारी,
और ये वाला रेट निकल गया 12.5%। अब क्या निकालना, अब निकालना फॉरवर्ड डिस्काउंट। अब निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, फॉरवर्ड डिस्काउंट पर किस में निकालना, ये एक दिक्कत। एफएम, तो अब यार फॉर्मूला थोड़ा सा घुमा देता हूं सर, क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ इज इक्वल टू एफ आर। पर अब एफ आर दिया तो है, पर एफएफ का रेट नहीं दिया, एफएफ का रेट हम बना लेंगे 7.52 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7.05 डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 7.05। आपको पता है इसका डेरिवेशन से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। हाँ, पर क्योंकि मैंने आपको बेसिक नहीं समझाया तो मैं अब उस मैटर पे आगे जा नहीं सकता। चलो तो फटाफट से काम कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 7.52 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7.05 इंटू 7.05, और परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100। कैलकुलेटर आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 7.52 एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7.05 इक्वल टू एम माइनस एम आर सी इंटू 7.05 इंटू 100, तो ये आ गए -6.25%। तो फाइनल आंसर ये हो गया 6.25%। तो बच्चों ये था आपके लिए क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा कहीं 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 बिल्कुल स्पीड से चलाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ना पहले का नॉलेज जरूरी है। एक और डाउट आया, लिवर्ड और अनलिवर्ड बीटा। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिजनेस रिस्क है, क्या फाइनेंशियल रिस्क। और हालांकि आईपीसीसी में पढ़ा हुआ है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेटिंग, वही तो है। पर उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा, और उसके लिए वेट करोगे, जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।